हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर आपका स्टार्ट करते हैं, है ना। नेक्स्ट लेक्चर ट्रिग्नोमेट्री का, अभी तक हम लोगों ने काफी पढ़ रखा था। अब हम लोग नेक्स्ट फॉर्मूले की तरफ बढ़ते हैं। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने वो पढ़ा, क्या वैल्यू, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू के चीज पे खत्म किया था। आज हम लोग नया टॉपिक चालू करते हैं, नया फॉर्मूले ऑफ सेट चालू करते हैं, सम एंड डिफरेंस, सम एंड डिफरेंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ टू एंगल्स। ठीक है, ये हम लोगों का नेक्स्ट है। क्या है हम लोगों का ये नेक्स्ट फॉर्मूला? नेक्स्ट हम लोगों का है कि सम एंड डिफरेंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ टू एंगल्स। नया फॉर्मूला बेसिकली, इसको हम लोग सी एंड डी फॉर्मूला भी बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम लोग? सी एंड डी फॉर्मूला भी बोला जाएगा। अब क्या चीज है, कैसे इसको करते हैं, हम लोग आगे इस चीज को करते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है? साइन ए कॉस बी प्लस साइन बी कॉस ए, ये फॉर्मूला होता है। साइन ए माइनस बी का क्या फॉर्मूला होता है हम लोगों के पास? साइन ए कॉस बी माइनस साइन बी कॉस ए। ठीक है, दोनों को जोड़ दीजिए एक बार, दोनों क्या कर दीजिए एक बार जोड़ दीजिए। जैसे जोड़ेगा तो आंसर क्या आएगा? साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, ये वाला टर्म क्या हो जाएगा? कैंसिल। क्या बचेगा? टू साइन ए कॉस बी, यही आएगा। अब क्या करते हैं, इसको सी एंड डी के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। कैसे कन्वर्ट करेंगे? देखिए मैंने बोला लेट ए प्लस बी इज इक्वल टू सी, ए माइनस बी इज इक्वल टू डी, यही आएगा। अब अगर मैंने दो को, अब मेरे को अगर यहां से ए निकालना है, यहां से क्या करना है मुझे? ए निकालना है, तो दोनों को क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। तो ए क्या आ जाएगा? सी प्लस डी बाई टू, एंड हमारा बी क्या आ जाएगा? सी माइनस डी बाई टू आएगा, यही आएगा। करके देख लीजिए एक बार, ऐड करेंगे तो हमारे पास टू ए बराबर सी प्लस डी आ जाएगा। अब ए क्या आ जाएगा? सी प्लस डी डिवाइडेड बाई टू, फिर एक बार घटा दो तो बी बराबर सी माइनस डी बाई टू आ जाएगा। अब इस वैल्यू को यहां पे रख दीजिए, जैसे रखिएगा तो क्या आएगा? साइन सी प्लस साइन डी बराबर टू साइन सी प्लस डी बाई टू कॉस सी माइनस डी बाई टू। ये हम लोगों का नेक्स्ट सेट ऑफ फॉर्मूला है। क्या हम लोगों का नेक्स्ट सेट ऑफ फॉर्मूला? क्या फॉर्मूला है साइन सी प्लस साइन डी का? टू साइन सी प्लस डी बाई टू कॉस सी माइनस डी बाई टू। याद रखना सी प्लस डी बाई टू ये साइन के अंदर लिख के रखा हुआ है। ठीक है, क्या करना है एक बार, अभी फॉर्मूला में है क्या? साइन सी प्लस साइन डी, एक बार दोनों एंगल का सम, एक बार दोनों एंगल का डिफरेंस। क्या? एक बार दोनों एंगल का सम और एक बार दोनों एंगल का डिफरेंस। ठीक है, तो अब इसी से अगर मेरे को साइन सी माइनस साइन डी निकालना हो तो क्या करूंगा? डी के जगह माइनस डी रिप्लेस कर दूंगा, तो क्या आएगा? साइन सी, अब यहां पे क्या हो जाएगा? साइन ऑफ माइनस डी क्या होता है? माइनस साइन डी होता है, तो माइनस बाहर आ जाएगा। साइन डी बराबर टू साइन सी माइनस डी बाई टू कॉस सी प्लस डी बाई टू। ठीक है, ये हम लोगों का फॉर्मूला है। हम लोगों ने प्रूफ किया क्यों? केवल फीलिंग लेने के लिए कि ये फॉर्मूला आता कैसे है या ये फॉर्मूला वर्क कैसे करता है। ठीक है, तो ये हो गया हम लोगों का साइन सी प्लस डी बाई टू। साइन सी प्लस डी का फॉर्मूला क्या हो गया? टू साइन सी प्लस डी बाई टू कॉस सी माइनस डी बाई टू। साइन सी माइनस डी क्या होगा? जस्ट उल्टा, अगर इसमें यहां पे प्लस के बीच में अगर यहां प्लस आ रहा है तो यहां माइनस में साइन के अंदर क्या आएगा? माइनस, और कॉस में क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। ठीक है, सिमिलर टर्म पे हम लोग इसका भी लिख सकते हैं, कॉस सी प्लस कॉस डी। क्या फॉर्मूला होगा? टू कॉस सी प्लस डी बाई टू कॉस सी माइनस डी बाई टू। अब यहां पे भी याद है हम लोगों ने उधर भी फॉर्मूला पढ़ा था, कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला पढ़ा था। कॉस ए प्लस बी के फॉर्मूले में भी क्या होता था? दोनों टर्म कॉस के आते थे। क्या होता था? दोनों टर्म कॉस के आते थे, आते थे। सिमिलर तरीके से यहां पे भी दोनों टर्म किसके आएंगे? कॉस के आएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं कॉस सी माइनस
कॉस डी। अब इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज को याद रखिएगा, टू साइन सी प्लस डी बाई टू साइन सी माइनस डी बाई टू विथ एक्स्ट्रा यहां पे एक माइनस आता है, ठीक है। तो ये चार फॉर्मूले हमको अच्छे से याद होने चाहिए, रट डालना है इसको लिख लिख के, जैसे भी याद करो करोगे, ठीक है। अब देखो फॉर्मूले को ध्यान से देखते हैं हम लोग, क्या करते हैं फॉर्मूले को ध्यान से देखते हैं। सबसे पहला फॉर्मूला क्या है, साइन सी प्लस साइन डी। सबसे पहला फॉर्मूला क्या है हम लोगों का, साइन सी प्लस साइन डी। क्या है साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला, टू साइन सी प्लस डी बाय टू कॉस सी माइनस डी बाय टू, ठीक है। दूसरा फिर फॉर्मूला क्या है, साइन सी माइनस साइन डी। दोनों में कोई खास फर्क है नहीं, फॉर्मूला दोनों का सेम है, दोनों का फॉर्मूला क्या है सेम। केवल फर्क क्या है कि अगर साइन सी प्लस साइन डी में साइन के साइन वाले एंगल के बीच क्या आता था, प्लस आता था, तो यहां पे साइन वाले में एंगल में क्या आएगा, दोनों के बीच माइनस आएगा, ठीक है। कॉस सी प्लस कॉस डी में क्या आएगा, कोई फर्क नहीं है, दोनों फॉर्मूले में क्या क्या है, यहां पे दोनों टर्म कॉस सी प्लस कॉस डी में क्या आएगा, प्लस आएगा, और कॉस सी माइनस कॉस डी में क्या आएगा, दोनों टर्म में साइन आएगा, दोनों टर्म क्या आएगा, साइन आएगा। यह एंगल हमेशा वही रहेगा, ये जो एंगल हर जगह दिख रहा है सेम दिख रहा है, हर जगह एंगल दिख रहा है सेम, हर जगह एक एंगल आएगा सी प्लस डी बाय टू और दूसरा आएगा सी माइनस डी बाय टू, ठीक है। बस फर्क क्या है कि अगर कॉस दो एंगल का सम दे रखा है कॉस, और बीच में अगर प्लस है, बीच में क्या दे रखा है हम लोगों का, प्लस दे रखा है, तो दोनों टर्म किसके आएंगे, कॉस के आएंगे। अगर यहीं पे अगर कॉस दे रखा है और बीच में माइनस दे रखा है, तो दोनों टर्म किसके आएंगे, साइन के आएंगे, दोनों टर्म क्या आएंगे, साइन के आएंगे विथ एक्स्ट्रा एक माइनस। याद रखना यहां पे माइनस इंपॉर्टेंट है, एक्स्ट्रा एक माइनस भी आएगा, ठीक है। तो ये हम लोगों का ट्रिग्नोमेट्री का नेक्स्ट सेट ऑफ फॉर्मूला है। क्या है ट्रिग्नोमेट्री का नेक्स्ट सेट ऑफ फॉर्मूला है, दोबारा एक बार पढ़ते हैं, साइन सी प्लस साइन डी, टू साइन सी प्लस डी बाय टू कॉस सी माइनस डी बाय टू, ठीक है। साइन सी माइनस डी बाय टू साइन सी माइनस साइन डी साइन सी माइनस डी बाय टू कॉस सी प्लस डी बाय टू, इट्स कॉस सी प्लस डी टू कॉस सी प्लस डी बाय टू कॉस सी माइनस डी बाय टू, एंड कॉस सी माइनस डी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा हम लोगों का, माइनस ऑफ टू साइन सी प्लस डी बाय टू साइन सी माइनस डी बाय टू, ठीक है। मैंने तरीका भी बताया कैसे याद करना है, याद रखिएगा, सिमिलर तरीके से इसको पहले वाले फॉर्मूले से रिलेट कर सकते हो, तो उससे भी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए ये वाला फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ लिया, मैं रफ करता हूं, देन फिर आगे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसके ऊपर, है ना। देखिए ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर ही ऐसा है कि हम लोगों को थोड़े से फॉर्मूले मिलेंगे, उसके बेसिस पे बहुत सारे क्वेश्चन करने पड़ेंगे, ठीक है। अब फॉर्मूले याद रखोगे तो आपको ना बहुत इजी होगा, प्रूफ से कोई याद नहीं रखेगा, प्रूफ तो मैंने केवल फीलिंग के लिए बताया था कि फील आ जाए कि कैसे फॉर्मूला आया किस तरीके से, ठीक है। अगर वो नहीं हो पा रहा है डायरेक्टली, फिर आप लोग क्या करिए, फॉर्मूला याद रखना है हम लोगों को, है ना। फॉर्मूला डायरेक्टली याद रखोगे तो आपको बहुत ईजी होगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में, ठीक। आगे अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व, नेक्स्ट अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए अब कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसी फॉर्मूले के ऊपर, है ना। देखो फॉर्मूला लगाने के टाइम हमको सबसे पहले सोचना क्या है, हम लोग इसकी बात करते हैं, है ना। देखो पहला क्वेश्चन क्या लिख रहा है, फाइंड द वैल्यू, क्वेश्चन नंबर वन बोल रहा है फाइंड द वैल्यू किसकी, साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा प्लस टू पाई बाय थ्री प्लस साइन अल्फा प्लस फोर पाई बाय थ्री, ये हम लोगों का फॉर्मूला है, ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब देखिए इस क्वेश्चन को चाहूं ना तो मैं पहले फॉर्मूले से भी प्रूफ कर सकता हूं, क्या कर सकता हूं, पहले वाले फॉर्मूले जो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला है उससे भी इसकी वैल्यू निकाल सकता हूं। कैसे निकाल सकता हूं, सेकेंड वाले टर्म में साइन ए प्लस बी लगा दीजिए, फिर इसके अगले वाले टर्म पे भी क्या लगा दीजिए, साइन जो अल्फा प्लस फोर पाई बाय थ्री है उसमें भी साइन ए प्लस बी लगा दीजिए, ओपन कर दीजिए और नॉर्मल तरीके से सॉल्व कर लीजिए, ठीक है, तो उससे भी आंसर आ जाएगा बट लेंदी जाएगा, तो हम लोग थोड़ा शॉर्टकट सोचते हैं। क्या शॉर्टकट है, अब ये देखिए, अगर मैं एंगल की बात, देखो इसमें क्या होता है ना, जब भी साइन सी प्लस डी का फॉर्मूला लगाना, क्या लगाना होता है, कभी भी साइन सी प्लस डी का फॉर्मूला लगाना होता है तो एंगल को देखिए, क्या देखिए, हमेशा एंगल को देखिए। अब बीच में ये हमेशा प्लस आना चाहिए, ये तो ऑब्वियस चीज है, अगर साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला लगाना है तो बीच में प्लस आना चाहिए, ये तो हमारा ऑब्वियस चीज है। बट अगर मान लो हमको और क्या सोचना पड़ेगा कि साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला यूज हो रहा है, तो उसके लिए एक हिंट होगा कि जो एंगल है ना उसको एक बार, जैसे मान लो मेरे को यहाँ पे समझ में तो ये आ रहा है कि साइन सी प्लस साइन डी लगेगा, पर कौन से दो, क्योंकि यहाँ पे तीन दे रखे हैं ना, साइन सी प्लस जो साइन डी का फॉर्मूला होता है दो के लिए है,
कि दो टर्म है उनके बीच के लिए फॉर्मूला है, तो कौन से टर्म के लिए वैलिड है, इंपॉर्टेंट ये भी है, हम लोगों को ये सोचना पड़ेगा। तो देखिए क्या करना है ऐसे क्वेश्चन में, जो हम लोगों का ऐसे क्वेश्चन आता है वहां पे साइन सी प्लस साइन डी कैसे लगाना है, हम लोग ये सोचते हैं। तो देखिए दो तीन तरीके हैं, हम लोग या तो ये कर सकते हैं कि सबसे पहले ये सोचें कि जो दो एंगल है उनका सम, जो दो एंगल है उनका सम कुछ आ जाए, कि जैसे मैं पहला एंगल और थर्ड एंगल है उनका सम देखो तो बीच वाले एंगल के बराबर आ रहा है ना, अगर उनका उन दोनों को जोड़ दूं डिवाइड बाय दो कर दूं तो बीच वाला एंगल आ रहा है। एक तरीका तो ये है। एक तरीका और है कि दोनों का, चलो ये एक तरीका, सबसे इंपॉर्टेंट तरीका तो यही है कि पहला एंगल का सम देखिए और एंगल का डिफरेंस भी देखिए। क्या करिए, एक बार एंगल का सम भी देखिए और एक बार एंगल का डिफरेंस भी देखिए। तो अगर मैं एंगल के सम की बात करूं, क्या बात करूं मैं, सबसे पहले एंगल के सम, पहला और थर्ड वाले एंगल का सम बात करूं, तो अल्फा प्लस 4π/3 कितना हो जाएगा, 2α + 4π/3, डिवाइड बाय 2 करोगे तो क्या आएगा, α + π/2π/3 आएगा। अब α + 2π/3 मुझे एक और जगह दिख रहा है तो वहां से क्या आ जाएगा, वो चीज कॉमन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, वहां से वो चीज कॉमन आ जाएगा। ठीक है, एक तरीका ये हम ये सोच सकते हैं। दूसरा हम ये सोच सकते हैं डिफरेंस, एंगल का डिफरेंस भी कुछ सेम आना चाहिए। हम लोगों को साइन सी प्लस साइन डी लगाते हैं इसलिए हैं कि हम लोगों को जो समेशन वाले टर्म है ना वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए। किसमें कन्वर्ट हो जाए, वो सारे टर्म प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए, और प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते ही हम कुछ चीज कॉमन निकाल सकें। क्या कर सकें, हम लोग कुछ चीज कॉमन निकाल सकें वहां से, दो टर्म के बीच से कुछ कॉमन निकल जाए। ठीक है, तो देखिए मैं पहला और थर्ड में लगा रहा हूं, इस पे और इस पे। तो देखो भाई सबसे इंपॉर्टेंट चीज, साइन सी प्लस साइन डी में क्या होता है, एक टू आता है, एक साइन आता है, और एक क्या आता है, कॉस आता है, ये पता है हम लोगों को। अब साइन, अगर साइन का साइन दे रखा है और दोनों के बीच प्लस है तो दोनों, तो साइन के अंदर क्या आएगा, सी प्लस डी बाय टू, और कॉस के अंदर क्या आएगा, सी माइनस डी बाय टू। तो सी प्लस डी बाय टू दोनों एंगल का सम डिवाइड बाय टू, तो अल्फा प्लस 4π/3 डिवाइड 4π/3 डिवाइडेड बाय 2 पर 2 आ जाएगा, कॉस अल्फा माइनस अल्फा प्लस 4π/3 डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा, और प्लस साइन अल्फा प्लस 2π/3 तो लिख के ही रखा हुआ है, लिख के रखा हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं, यहां पे देखिए इसको आगे सॉल्व करते हैं, तो 2 क्या आएगा, अल्फा प्लस अल्फा 2 अल्फा प्लस 4 डिवाइड बाय 2, तो अगेन क्या बन जाएगा, साइन अल्फा प्लस 2π/3, यहां से कॉस, देखिए अल्फा अल्फा क्या हो गया, कैंसिल हो गया, और 4π/3 डिवाइड बाय 2 कितना हो जाएगा, 2π/3 माइनस ऑफ 2π/3 प्लस साइन अल्फा प्लस 2π/3 दिख रहा है। अब देखिए साइन अल्फा प्लस 2π/3 ये टर्म यहां से ये और यहां से ये क्या दिख रहा है, कॉमन दिख रहे, दिख रहा है कॉमन, मैंने साइन अल्फा प्लस 2π/3 को कॉमन निकाल लिया, निकाल लो तो साइन अल्फा प्लस 2π/3 कॉमन, क्या बचेगा, 2 कॉस माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, तो क्या आ जाएगा, कॉस 2π/3 प्लस 1 यही आएगा। अब कॉस 2π/3 की वैल्यू निकाल लो, कॉस 2π/3 वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगा, कॉस पाई माइनस पाई बाय 3 लिख सकते हैं। अब ये कितना हो जाएगा, माइनस कॉस पाई बाय 3, अभी मेरे को बताने की जरूरत नहीं है क्यों माइनस पाई माइनस कॉस पाई बाय 3 हुआ है, और कॉस पाई बाय 3 पता है माइनस हाफ होता है, रख दीजिए माइनस हाफ, तो साइन अल्फा प्लस 2π/3 टू टाइम माइनस हाफ प्लस 1 तो कितना आ गया, 0 आ जाएगा आंसर, कितना आ गया, 0। तो पहले वाले क्वेश्चन का आंसर कितना आया, 0 आ गया है हम लोगों का। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि कब प्लस कब क्या हम लोगों को करना है, उससे हम लोगों को पता चल जाएगा देख के, है ना। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग क्या करते हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए इसको रफ कर देता हूं मैं एक सेकेंड के लिए। ये था क्वेश्चन नंबर 1, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है हम लोगों का, फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये वाला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन 2 क्या है, कॉस 55 डिग्री प्लस कॉस 65 डिग्री प्लस कॉस 175 डिग्री, हम लोगों को ये दे रखा है, इसकी वैल्यू फाइंड करने को बोल रहा है। तो देखिए हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, इसको सोचते हैं इसके बारे में कि क्या करेंगे हम लोग, है ना। देखो
cos 55, cos 65 प्लस cos 175 देके रखा है, देके रखा है। मुझे ये समझ में आना चाहिए कि जब भी ऐसे क्वेश्चन मैं ट्राई करूँ ना, तो मोस्टली ये कोशिश करूँ कि जो बड़े वाले एंगल दे रखे होते हैं ना, उनको स्मॉल एंगल में कन्वर्ट करने की कोशिश कर लूँ पहले। ठीक है, अब मैं एक बार पहले ऐसी देखता हूँ, 55 प्लस 175 कितना हो जाएगा आपका, 55 प्लस 175 हो जाएगा 230 डिवाइड बाय 2। 65 तो नहीं आ रहा है, तो मतलब ये तो कुछ गड़बड़ है, या 65 प्लस 55 जोड़ ले तभी भी नहीं आ रहा है। पर मुझे एक चीज गौर करनी चाहिए कि 175 जो लिखा है ना, इसको मैं cos 5 भी लिख सकता हूँ। क्या मैं इसको डायरेक्टली माइनस cos 5 लिख दूं तो किसी को प्रॉब्लम होगा? क्योंकि 175 को क्या लिख सकते हो, 180 माइनस 5, और 180 माइनस थीटा क्या होता है हमारा, माइनस cos थीटा। तो डायरेक्टली मैंने cos 5 लिख दिया। अब देखिए यहां पे आपको एक चीज पता चलेगी कि cos 55 डिग्री प्लस cos 65, अगर मुझे यहां पे प्लस वाली चीज काम नहीं कर रही है, जैसे cos c प्लस cos d, वहां पे क्या आता है, दो टर्म आते हैं, वहां पे क्या आते हैं, दो टर्म, एक आता है cos का, cos, दोनों टर्म cos के आते हैं, एक में एंगल प्लस होता है, एक में एंगल माइनस होता है। तो देखो 55 माइनस 65 कितना होता है, माइनस 10 डिवाइड बाय 2 माइनस 5, cos माइनस थीटा cos थीटा ही होता है। तो अगेन मुझे दिखा कि cos 5 बन रहा है, बन रहा है, इस वजह से मैंने पहले वाले टर्म को क्या किया, cos 5 में कन्वर्ट किया। तो चलो लगा दो cos c प्लस cos d, 2 दोनों टर्म cos के, एक बार प्लस एक बार माइनस, तो 55 प्लस 65 कितना हो जाएगा हम लोगों का, देखा जाए तो 120, कितना, 55 प्लस 65 120 आ जाएगा, दिख रहा है, हाँ 55 प्लस 65 कितना आ जाएगा, 120, 120 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो जाएगा, 60। तो यहां पे आ गया cos 60 डिग्री, एक बार डिफरेंस, तो cos 55 और 65 माइनस माइनस 10 माइनस 5 माइनस cos 5 डिग्री। अब देखिए cos माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा, तो मुझे दिख रहा है cos 5 डिग्री कॉमन, तो 2 cos 60 माइनस 1 cos 60 हाफ, तो अगेन आंसर कितना आ जाएगा, 0 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो इस केस में भी जो वैल्यू आ गई हम लोगों की, 0 ही आएगी। ठीक है, तो ये हो गया हम लोगों का सेकंड क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 1 था, मैं काउंट लिखना भूल गया था, ये 2, 3, 4, 5। क्वेश्चन नंबर 3 और 5 आपके लिए होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 3 और 5 इज होमवर्क फॉर यू, कि हम लोगों को प्रूफ करके दिखाना है, तो आप लोगों मुझे सेंड करना। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं, ठीक है, किसकी बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की। तो क्वेश्चन 4 देखिए क्या बोल रहा है, क्वेश्चन 4 कि cos 18 डिग्री माइनस sin 18 डिग्री। ठीक है, हम लोगों को प्रूफ क्या करना है, रूट टू, ये रूट टू टाइम साइन 27 डिग्री, ये प्रूफ करना है, करना है। अब देखिए इस क्वेश्चन को प्रूफ करने के दो तरीके हैं, ठीक है, दोनों तरीके से हम लोग डिस्कस करते हैं, है ना। अब मैं इधर लेफ्ट साइड वाली चीज रफ कर देता हूं, तो जिससे स्पेस बन जाएगा। 1, 2 मैंने किया, 3, 5 आपके लिए होमवर्क है, फोर्थ क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं। देखिए क्या लिख के रखा है, रूट टू टाइम साइन 27 डिग्री, हम लोगों को यह प्रूफ करना है, करना है। तो देखो करने के इसके दो तरीके हैं, एक पहले सिंपल तरीका देखते हैं, मतलब जो अभी पढ़ रखा है उसी से पढ़ते हैं, फिर करते हैं दूसरा एक और तरीके। देखो हम लोगों ने ये पढ़ा है कि cos c माइनस cos d होता है, cos c माइनस cos d, पर यहां पे कोई ऐसा फॉर्मूला पढ़ा है क्या, cos c माइनस sin d नहीं पढ़ा है। तो दोनों टर्म क्या आना चाहिए, या तो cos के होने चाहिए, या दोनों टर्म क्या होने चाहिए, sin के होने चाहिए। ऐसा तो है नहीं कि एक टर्म sin का और एक टर्म cos का, ऐसा पढ़ा है क्या, कोई फॉर्मूला अभी तक पढ़ा है क्या, नहीं पढ़ा है। तो क्या करते हैं, देखिए इस क्वेश्चन पे मैंने क्या किया, cos 18 डिग्री इस वाले चीज को मैं क्या 90 माइनस 72 डिग्री लिख सकता हूं, मैंने LHS उठाया है, तो क्या मैं दूसरे टर्म को 90 माइनस 72 लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं मैं, है ना, क्योंकि 80 ऊपर और ये नीचे टर्म सेम लिखा है ना, तो लिख सकते हैं। अब क्या आएगा, cos 18 साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा, तो यहां से क्या आ जाएगा, cos 72। कुछ नहीं किया, फॉर्मूला यूज करने के लिए जो साइन 18 दे रखा था उसको cos 72 लिख दिया, ये तो हमेशा हम लोग लिख सकते हैं, किसी को भी चीज से प्रॉब्लम नहीं होगा। अब लगा दिया cos c माइनस cos d, लगा दिया, अभी तक cos c प्लस cos d दोनों टर्म cos के आते थे, sin c प्लस sin d एक टर्म sin एक टर्म cos, sin c माइनस sin d एक टर्म sin एक टर्म cos, यही आता था। बट cos c माइनस cos d में क्या आता है, दोनों टर्म sin के आते हैं, तो यहां मैंने लिखा sin
मैंने यहां अगेन लिखा साइन विथ टू विथ एक्स्ट्रा माइनस, तो यहां पे मैंने क्या एक्स्ट्रा माइनस लगा दिया। अब एक बार प्लस और एक बार माइनस, तो प्लस कर लेते हैं 18 प्लस 72 90 डिवाइडेड बाय 2 45, तो यहां पे तो 45 आ गया। अब आगे वाली बात करते हैं, दूसरा क्या हो जाएगा साइन 18 माइनस, अब 18 माइनस 72 कितना हो जाएगा हम लोग का 54 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो जाएगा माइनस 27 डिग्री। ठीक है, 18 माइनस 72 क्या होगा 18 माइनस 72 माइनस 54, माइनस 54 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो जाएगा माइनस 27 होगा। अब देखिए साइन माइनस थीटा क्या होता है माइनस ऑफ साइन थीटा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, साइन 45 वन बाय रूट टू मल्टीप्लाई साइन 27 कैंसिल, तो रूट टू साइन 27 डिग्री आ गया। ये हो गया मेथड वन। मेथड टू की बात करते हैं, देखिए मेथड टू में क्या है, मुझे ये दिखना चाहिए 18 और 27 अगर देखो ना तो रिलेट हो रहे हैं 45 से, क्या हो रहे हैं रिलेट 45। अगर प्लस करके भी देख लिया करो एक बार माइनस, क्योंकि नोन वैल्यूज में देखा करो कि हम लोगों को नोन वैल्यूज कौन सी पता है। ठीक है, क्रिएट करने वाली चीज जो हम लोगों ने पढ़ी अभी देखो समझ में आएगा, कॉस 18 माइनस साइन 18 लिख के रखा हुआ है, मैंने क्या किया यहां पे 1 बाय रूट टू से मल्टीप्लाई और रूट टू से डिवाइड कर दिया। कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, तो क्या आ जाएगा रूट टू 1 बाय रूट टू कॉस 18 माइनस 1 बाय रूट टू साइन 18। कर सकते हैं, ये लास्ट लेक्चर में हम लोग ने सीखा था। ठीक है, कभी भी देखो ऐसा करे ना, सोच लिया करो कि शायद तक दोनों एंगल देखो 18-18 दिख रहा है, एक टर्म कॉस एक टर्म साइन का, हम लोग ने फॉर्मूला इसी के लिए पढ़ा था, ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स पढ़ा था, जहां पे एंगल क्या होते थे सेम होते थे, तो मुझे थोड़ा समझ में आना चाहिए कि भाई आर्गुमेंट में जो यहां दिख रहा है, अब मैंने रूट टू से ही मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि यहां वन है और यहां वन है, तो वन और वन का स्क्वायर वन ही वन होगा, दोनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा टू आ गया, और उसका रूट ले लेते थे हम लोग, लेते थे तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता था, उसी से मैंने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये देखिए रूट टू मैंने क्या किया, वन बाय रूट टू को लिख दिया साइन 45 लिख दिया, ये हो गया साइन 45 कॉस 18 माइनस, अपने आप ये क्या हो जाएगा कॉस 45 साइन 18। मैंने बताया था कि अगर एक टर्म को साइन लिख रहे हो तो अपने आप दूसरे टर्म को क्या लिखना पड़ेगा कॉस लिखना पड़ेगा। फॉर्मूला देखिए, अब साइन ए कॉस बी माइनस साइन बी कॉस ए, किसका फॉर्मूला है साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला, किसका फॉर्मूला साइन ए माइनस बी का। ठीक है, तो रूट टू साइन 45 डिग्री माइनस 18 डिग्री, तो कितना आ गया रूट टू साइन 27 डिग्री। ठीक है, तो ये हो गया हम लोगों का ये क्वेश्चन, दोनों मेथड से हम लोगों ने सॉल्व किया। आपको जो भी मेथड समझ में आए उस मेथड से आप क्या कर सकते हैं सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे और भी क्वेश्चन हम लोग करते हैं तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा चीजें, है ना। चलिए आगे और बढ़ते हैं हम लोग, अब इसको रफ कर देते हैं, देन आगे और भी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 5 इज होमवर्क फॉर यू। ठीक है, होमवर्क फॉर एवरीवन, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे स्टार्ट करते हैं। आप लोग क्या कीजिए, जैसे मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है पॉज किया कीजिए और खुद से सॉल्व किया कीजिए, देन आके सॉल्यूशन मैच किया कीजिए। ठीक है, ऐसे क्या करोगे तो हमें तक कुछ भी नहीं होगा। अभी मैंने 4 क्वेश्चन और लिखे हैं, ये 4 क्वेश्चन हम लोग और सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो क्या करना है आप लोगों को, पहले पॉज करना है देन खुद से सॉल्व करिए, आपको समझ में आ जाएगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है। नहीं समझ में आएगा सॉल्यूशन आके देखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 6, देखिए क्या लिखे रखा है, साइन थीटा बराबर 3 टाइम साइन थीटा प्लस 2 अल्फा लिख के रखा हुआ। देखिए जैसे ही ये चीज लिखी है ना तो मुझे ये समझ में आना चाहिए कि मैं करूं तो करूं क्या, क्योंकि इससे मेरे को 10 लाना है, इससे क्या लाना है मेरे को 10। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आया करे ना तो आप लोग थोड़ा बहुत सोच सकते हो यहां पे साइन सी प्लस साइन डी कैसे आता है, हम लोग ये देखते हैं। ठीक है, देखो क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले ना साइन थीटा प्लस 2 अल्फा इसको ले आओ राइट साइड लेफ्ट साइड ले आओ, ले आते हैं साइन थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा प्लस 2 अल्फा बराबर 3। कभी भी थीटा प्लस अल्फा या कुछ भी लिखा हो उसको 10 से रिलेट कर रहा हो ना
तो साइन सी प्लस साइन डी या कॉस सी माइनस कॉस डी, ऐसे कभी भी। तो हम लोग ये थ्योरी रख सकते हैं कि शायद तक यहाँ पे साइन सी प्लस साइन डी लग रहा होगा, या कॉस सी प्लस कॉस डी, या साइन सी माइनस साइन डी लग रहा होगा। अब आंसर आएगा नहीं आएगा वो उसके ऊपर है, बट शायद तक ये चीजें वैलिड होगी। ठीक है, तो देखो क्या करते हैं कभी भी। अब देखो मैंने क्या किया, अब यहाँ पे ऐसे तो लिख दिया, अब सोचे जाए कि सर यहाँ पे आगे क्या है, तो मैंने लगा दिया यहाँ पे सी एन डी, कंपोनेंडो एंड डिवेंडो। क्या लगा दिया यहाँ पे मैंने, कंपोनेंडो एंड डिवेंडो लगा दो। तो साइन थीटा प्लस साइन थीटा प्लस टू अल्फा, यहाँ क्या आ जाएगा, साइन थीटा माइनस साइन थीटा प्लस टू अल्फा, थ्री प्लस वन, थ्री माइनस वन। यही ऐसा क्वेश्चन वैसे हम लोगों ने एक बार कर रखा है, उसको वहां पे हम लोगों ने थीटा प्लस टू अल्फा को क्या लिखा था, थीटा प्लस अल्फा ऐसे करके लिखा था, क्योंकि यहां से थीटा प्लस अल्फा आ रहा है। फिर हम लोगों ने ओपन करके सॉल्व किया था, वो एक मेथड था। दूसरा मेथड मैं अभी बता रहा हूं, साइन सी। अब देखिए साइन प्लस साइन, साइन माइनस साइन, क्या लग जाएगा यहां पे, साइन सी प्लस डी, साइन सी माइनस डी लगा दो। तो टू साइन, एक बार प्लस, तो थीटा प्लस टू थीटा प्लस थीटा टू थीटा डिवाइड बाय टू थीटा प्लस अल्फा, कॉस दोनों का डिफरेंस, तो कॉस अल्फा बचेगा क्योंकि थीटा माइनस थीटा आपका कैंसिल, और यहां पे सॉरी कॉस माइनस बचेगा, कॉस माइनस अल्फा बचेगा। अब आ जाओ यहां पे, यही आएगा, सबको यहां समझ में आ गया होगा। और डिवाइड बाय टू भी है ना, तो टू अल्फा से टू कट के केवल अल्फा बचेगा। अब लगा दो साइन सी माइनस अगेन टू साइन, यही आएगा। अब देखिए जैसे यहां पे लगाए तो मुझे देखो दोनों का डिफरेंस लेना है, क्या लेना है मुझे दोनों का डिफरेंस, ले लो। तो थीटा माइनस टू अल्फा, क्या लेना है हम लोगों को, थीटा माइनस, अब देखो साइन थीटा थीटा कैंसिल, तो यहां से क्या बचेगा, साइन माइनस अल्फा बचेगा, बचेगा। अब आगे बढ़ते हैं भाई, यहां से क्या बचेगा, कॉस थीटा प्लस अल्फा डिवाइडेड बाय थ्री प्लस वन, कितना हो जाएगा फोर, थ्री माइनस वन टू, तो कितना बचेगा टू बचेगा, बचेगा। अब देखिए साइन अपॉन कॉस, साइन अपॉन कॉस क्या हो गया, टू टू कैंसिल, तो क्या बचा, टेन थीटा प्लस अल्फा बराबर, यही आएगा। डिनोमिनेटर में आ जाओ, साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, कॉस माइनस थीटा क्या होता है हमारा, कॉस थीटा, तो साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा, किसको नीचे ला सकते हो ना, तो क्या हो जाएगा टेन हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा टेन अल्फा बराबर टू, यही आएगा। अब क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो पूरा जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे तो हमारे पास डायरेक्टली प्रूफ आ जाएगा, टेन थीटा प्लस अल्फा प्लस टू टेन अल्फा बराबर जीरो, ये आ गया हम लोगों का प्रूफ जो हम लोगों को करना था। ठीक है, कुछ नहीं किया, कॉम्पोनेंडो एंड डिवेंडो सोच सकते हो, ट्रिग्नोमेट्री में कॉम्पोनेंडो एंड डिवेंडो काफी यूज होता है, तो उसको लगाने का हम लोग सोच सकते हैं हमेशा। ठीक है, और कंपोनेंडो डिवेंडो लगाने के बाद ये तो जरूर मानना कि जब भी आप लोग कंपोनेंडो एंड डिवेंडो लगाओगे उसके अगला स्टेप साइन सी प्लस, हमेशा ये वाला फॉर्मूला होगा, सी प्लस डी वाला फॉर्मूला लगेगा, चाहे जो हो जाए फिक्स है, कंपोनेंडो डिवेंडो के बाद अगला फॉर्मूला तो मान के चलो ये लगना ही है। आया समझ में, तो चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं भाई हम लोग, ये क्वेश्चन नंबर सिक्स हो गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन सेवेंथ की, अब बात करते हैं क्वेश्चन सेवेंथ। देखिए क्वेश्चन सेवेंथ है क्या, देखते हैं क्वेश्चन सेवेंथ, तो मैं डायरेक्टली यहां से स्टार्ट कर देता हूं, कॉस थीटा माइनस कॉस थ्री थीटा, कॉस थीटा माइनस कॉस थ्री थीटा पहला टर्म, फिर दूसरा टर्म क्या है, साइन एट थीटा प्लस साइन टू थीटा, फिर आ जाओ डिनोमिनेटर में क्या है, साइन फाइव थीटा माइनस साइन थीटा, फिर अगला कॉस फोर थीटा माइनस कॉस सिक्स थीटा, ये दे रखा है और बोला फाइंड करना है, जो भी आएगा हम लोग अब देखते हैं आंसर क्या आएगा, है ना। देखिए एक तरीका तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का ये होता है कि मैं कुछ वैल्यू एज्यूम कर लूं, है ना, पर वैल्यू एज्यूम करने में यहाँ पे थोड़ा दिक्कत होगा, तो अभी ये काम करते हैं। दिख रहा है कि कॉस पहले वाले टर्म पे क्या लगेगा, कॉस सी माइनस कॉस डी लगेगा, लगा दो कॉस सी माइनस कॉस डी, लगाते ही याद रखना चाहिए कि माइनस एक्स्ट्रा आता है टू आता है, और दोनों टर्म किसके होते हैं, साइन के, तो पहला साइन, साइन में पहला साइन, दोनों टर्म किसके आएंगे, साइन के, साइन और साइन, एक बार क्या आता है प्लस और एक बार क्या आता है माइनस, तो दोनों को जोड़ दो, पहले प्लस वाला करते, थीटा प्लस थ्री थीटा फोर थीटा डिवाइड बाय टू टू थीटा, तो साइन टू थीटा आ जाएगा, एक बार डिफरेंस, तो थीटा माइनस थ्री थीटा माइनस टू थीटा डिवाइड बाय टू माइनस थीटा, तो दूसरा टर्म क्या आ जाएगा, साइन माइनस थीटा।
अब आगे आते हैं, साइन ए साइन सी प्लस साइन डी, एक टर्म साइन एक टर्म कॉस, तो साइन और कॉस, एक बार क्या आएगा प्लस, तो 8 थीटा प्लस 2 थीटा कितना हो जाएगा पर 10 थीटा डिवाइड बाय 2 5 थीटा, कॉस डिफरेंस तो 8 थीटा माइनस 2 थीटा 6 थीटा डिवाइड बाय 2 3 थीटा यही आएगा। अब बात करते हैं आगे, साइन 5 थीटा माइनस साइन थीटा अगेन लगा दो तो 2 साइन कॉस, पर साइन थीटा माइनस साइन सी माइनस साइन डी में क्या होता है, पहले में साइन में डिफरेंस आता है, कॉस में प्लस आता है, तो 5 थीटा माइनस थीटा 4 थीटा डिवाइड बाय 2 2 थीटा कॉस 3 थीटा, किसी जोड़ दो। अब अगेन कॉस सी माइनस कॉस डी, तो माइनस एक्स्ट्रा 2 साइन प्लस एक बार, तो कितना आ जाएगा 5 थीटा एक बार साइन माइनस थीटा। अब देखिए क्या क्या कट रहा है, काट दो सारे जगह से 2 2 2 तो चल बसी, ये और ये चले गए, और क्या गया, और क्या जा रहा है, हाँ ये और ये चल गया, ये और ये चला बता, ये और ये तो आंसर आ गया वन, कितना आंसर आएगा वन आंसर आ जाएगा, कितना आंसर आ जाएगा हम लोगों का वन के बराबर आंसर आ जाएगा, सब कट पिट गए एक दूसरे क्या हो गए सारे कट पिट गए तो आंसर आ गया वन। ठीक है तो ये हो गया हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है ध्यान से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है कि tan 3a tan 2a tan a is equal to tan 3a ये सब प्रूफ करना है, तो हमको ये समझ में आना चाहिए कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए ना तो रिलेट करो 2a plus a कितना होता है 3a होता है, या 3a minus a कितना होता है 2a होता है, इस तरीके से हम लोग जब रिलेट करेंगे ना तो चीजों को समझ में आएगा। तो मैं काम करता हूं देखता हूं, देखो 3a minus a 2a होगा या 3a ये 2a plus a 3a होगा, तो मैं काम करता हूं ऐसे करता हूं tan 2a लिख लेता हूं और 2a को लिख देता हूं ऐसे 3a माइनस ए लिख सकता हूं, लिख सकते हैं। अब tan a माइनस b का फॉर्मूला क्या होता है tan a, क्वेश्चन नंबर 8 कर रहे हैं हम लोग, तो क्या हो जाएगा tan a तो tan 3a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan 3a tan a। अब tan 3a माइनस 3a क्या होता है 2a ही होता है, तो tan 2a लिख लिया, इधर क्या जाएगा tan 3a माइनस tan a डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan 3a tan a, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा tan 2a प्लस tan 2a tan 3a tan a बराबर tan 3a माइनस tan a यही आएगा। एक तरफ लाके कर सकते हो, एक तरफ ले आओ कुछ नहीं, 2a को राइट साइड ले जाओ प्रूफ हो जाएगा, तो tan 2a tan 3a tan a बराबर tan 3a माइनस tan 2a माइनस tan a, ये प्रूफ हो गया हम लोगों का ये वाला क्वेश्चन। प्रूफ करने के लिए आप चाहते तो ऐसे भी कर सकते थे कि 2a प्लस a भी लिख के आप लोग सॉल्व कर सकते थे, ठीक है, तो उससे भी हमारा सेम आंसर आता, कोई भी डिफरेंस नहीं होता, तो वो वाले तरीके से भी हम लोग प्रूफ कर सकते थे। तो ये हो गया हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की, ये क्वेश्चन नंबर 8 था हम लोगों का, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग सारे क्वेश्चन, देखो ये ट्रिग्नोमेट्री ऐसा एक चैप्टर है ना कि अगर आप लोग कथा के जैसे चूंकि रामायण चल रहा है या महाभारत की कहानी सुनाई जा रही है ना, तो चलो थोड़ा ऐसे डिस्कस कर लेते हैं कि अगर आप लोग ये सोचो ना कि अगर ये चैप्टर चल रहा है और कोई ये सोचे कि महाभारत और रामायण की कहानी की जैसे इसको सुनते जाएंगे तो समझ में नहीं आएगा, मैं आपको डायरेक्टली बोल रहा हूँ। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पेन और पेन कॉपी उठाइए, जो क्वेश्चन दे रखा है उसके ऊपर दिमाग लगाइए, ये मैथमेटिक्स में पहला रूल है। ये क्या हम लोगों का मैथमेटिक्स का पहला रूल है कि अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन सॉल्व करना है या कुछ करना है तो आप सबसे पहले पेन कॉपी उठाइए और ट्राई करिए, ठीक है। क्या होगा इससे आपको समझ में आएगी कि हाँ ये क्वेश्चन मुझे इस तरीके से करना था, मेरे से ही बार बार पूछने से कुछ नहीं होगा, मैं आपको केवल, क्योंकि देखो क्या होता है ना कि अगर तुम मेरे से पूछोगे ना बार बार, होता है कुछ बच्चे बार बार मेरे से पूछ रहे हैं कि सर ये कैसे करें ये कैसे, देखो करो पूछो मैं मना नहीं करता, बट
पूरा एक बार जब कंप्लीट हो जाए ना क्वेश्चन तब पूछो मुझसे, तो ज्यादा अच्छा रहेगा, तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। तुम एटलीस्ट ट्राई करके तो बताओगे कि सर मैंने ये ट्राई किया जिससे मेरे ये आया आंसर, ठीक है। और आप लोग हाँ एक चीज थोड़ा ध्यान रखिए कि जो ग्रुप पे है ना डिस्कशन थोड़ा देखा कीजिए कि जो भी चीजें होती हैं कि क्या क्या बताया जाता है उसमें, बहुत सारी चीजें देखो सारे बच्चे डाउट्स पूछ रहे हैं तो ये कंफर्म है कि ग्रुप पे बहुत सारे मैसेज रहेंगे, मैं भी मानता हूँ, बट आपको वो चीजें देखनी पड़ेगी। और हाँ अगर मैं आपका डिस्कशन का टाइम 3 बजे रख रहा हूँ तो सारे लोग 3 बजे प्रेजेंट रहो, अगले बार से मैं अटेंडेंस भी उसी में लूंगा, डायरेक्टली बोल रहा हूँ, तो 3 बजे सब रहा करो। आप लोग क्या करते हो कि 3 बजे मैंने बोला है तो कोई 4 बजे आ रहा, कोई 5 बजे पूछ रहा है, डाउट पूछो, मैंने मना नहीं किया है कि किसी भी टाइम भी डाउट नहीं, पर अगर मैंने किसी टॉपिक का डिस्कशन रखा है या किसी डीपीपी का डिस्कशन रखा है तो उस टाइम लिमिट पे ही आप क्वेश्चन पूछिए, तो आपके लिए बेटर रहेगा, आपको समझ में आएगा कि कैसे क्या चीजें सॉल्व करनी है, ठीक है। अगर बार बार अलग अलग टाइमिंग पूछो, मैं बताने के लिए मैं हमेशा बता दूंगा, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, पर ये आपके लिए नहीं है ना, आपको ये अच्छा नहीं रहेगा कि आप अपने आप को बिगाड़ रहे हो, क्योंकि मैंने अगर एक टाइम लिमिट दिया है तो उस टाइम लिमिट पे आप क्वेश्चन सॉल्व करिए। टाइम लिमिट पे अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करोगे ना तो आपको अच्छा लगेगा। आप लोग क्या करते हैं कि ठीक है सर बाद में भी बता देंगे तो हम बाद में आराम से सॉल्व करते हैं, नहीं वो चीजें नहीं डेवलप करनी है। मैं अगले बार से बंद भी करने वाला हूँ ये चीज कि जो बाद में मुझसे डाउट पूछते हैं ना तो उनको नहीं बताऊंगा, मैं खुद बोल रहा हूँ, ठीक है। तो ये चीजें बंद करो क्योंकि तुम्हारा इसमें लॉस हो रहा है। मैं अगर तुमको एक टाइम लिमिट दे रहा हूँ ना कि हाँ मुझे ये टाइम लिमिट दिया गया है, इस टाइम लिमिट में मुझे खत्म करना है, तो मैं ये चीजें खत्म करूँ। अगर वो टाइम लिमिट पे अगर आप खत्म कर रहे हो तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, सीधा बताओ आपको बहुत फायदा करेगा वो चीज, बहुत फायदा करेगा कि अगर आप टाइम लिमिट पे कर रहे हो उससे आपका डिसिप्लिन बनता है। देखो कभी भी कोई भी बच्चा ना कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकाल सकता है, चाहे वो उसके पास दिमाग हो या ना हो, मैं सीधा बता रहा हूं, मेहनत इज वेरी इंपॉर्टेंट विथ डिसिप्लिन, ठीक है। टीचर आपको पढ़ाएंगे ही, आप मेहनत करोगे, बट डिसिप्लिन के साथ आप मेहनत करो कि हाँ मुझे अगर ये लिमिट दिया गया है तो मैं इस लिमिट में खत्म करूं, या मुझे ये बोला गया है तो मैं ये खत्म करूं टाइम लिमिट के साथ, तो एक डिसिप्लिन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप किसी का भी इंटरव्यू सुनिए तो आपको यही बोलेंगे कि हाँ एक डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी चीज को कॉम्पिटिट करने के लिए या किसी भी चीज को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। एक एक्स्ट्रा आपको क्या मिलता है, डिसिप्लिन आने से आपको एक्स्ट्रा एक एडवांटेज मिलता है कि हाँ बाकी लोग करें या ना करें, मैं तो डिसिप्लिन हूं ना, मुझे तो टाइम दिया गया तो मैं उस टाइम लिमिट में खत्म करूंगा, तो इससे आप एक्स्ट्रा एक डिसिप्लिन मिलेगा आपको कि हाँ मेरे को यार सॉल्व करना ही है उस टाइम लिमिट पे, तो आप उस टाइम लिमिट पे ही सॉल्व करिए, तब आपको ज्यादा अच्छा रहेगा। अब बाद में पूछोगे मैं बता दूंगा, मेरे कोई टेंशन नहीं है, मुझे क्या है, मुझे तो बताना ही है तो मैं बता दूंगा, बट आप अपने आप को बिगाड़ रहे हो। मैंने अगर आपको टाइम दे रखा है कि नहीं मुझे इस टाइम तक चाहिए तो उस टाइम तक आप कंप्लीट करिए, जब तक आप उस टाइम तक कंप्लीट नहीं करेंगे ना तो आपको मजा नहीं आएगा, आपको भी अच्छा नहीं लगता होगा कि सर मैं बाद में पूछ रहा हूँ, ठीक है। तो वो चीजें बंद करनी पड़ेगी आप लोगों को, एक डिसिप्लिन लाइए अपने ऊपर कि नहीं मुझे अगर ये डीपीपी दी के रखी गई है तो मैं ये डीपीपी इस दिन सॉल्व करूंगा, वो अपने जो वर्क है या होमवर्क उसको पेंडिंग नहीं रखूंगा। और ग्रुप पे डिस्कशन को देखिए, बहुत सारी चीजें मैं पोस्ट करता हूं तो देखो वो तो रहेगा कि मैं या तो वो तो रहेगा ही कि बहुत सारे ग्रुप पे मैसेजेस आएंगे, ठीक है। अब ग्रुप पे मैसेजेस रहेंगे तो आप ये नहीं कर सकते कि उन मैसेजों को इग्नोर करिए, मैसेज को पढ़िए, आपको समझ में आएगा कि हाँ मैंने ग्रुप पे बहुत सारी चीजें डिस्कशन के टाइम एक्स्ट्रा बताता हूँ, तो वो चीजें देखनी ही पड़ेगी हम लोगों को, ठीक है। तो ग्रुप पे आप लोग मैसेज को ध्यान से देखिए और टाइम लिमिट पे आइए, जो 3 का टाइम है तो 3 का टाइम हम लोग हमेशा फिक्स करते हैं, अब जो डिस्कशन का टाइमिंग रहेगा वो 3 बजे ही रखेंगे, 3 to 4 का टाइम हमारा डिस्कशन के लिए ही रहेगा, फिक्स्ड टाइमिंग है। अगर वो टाइमिंग आपको चेंज करानी है तो हम टाइमिंग चेंज भी कर सकते हैं, पर अभी के लिए 3 to 4 का डिस्कशन का टाइमिंग फिक्स रख रहे हैं, उसी टाइम पे हम डिस्कशन करेंगे आप लोगों का, सीधा बता रहे हैं। तो आप लोग ध्यान से उस चीजों को करिए, अगर सीधी सी बात है आपको एक डिसिप्लिन अपने लाइफ में लाना पड़ेगा, आप डिसिप्लिन रहेंगे तो आपको बहुत चीजें फायदे करेगी, फायदा मतलब इन देंस कि आपको हेल्प करेगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में, क्वेश्चन को समझने में डिफरेंट आए चीजें, ठीक है। तो टाइम पे आइए जो भी डिस्कशन रहा करे। चलो बहुत हो गया ज्ञान, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्या दे रखा है क्वेश्चन, इफ अल्फा बीटा गामा आर इन एपी देन प्रूफ डेट कॉट बीटा इक्वल टू साइन अल्फा माइनस ये, तो प्रूफ करना है। तो देखो सबसे पहले तो लिख लेते हैं क्वेश्चन, कॉट बीटा इज इक्वल टू क्या है, साइन अल्फा माइनस साइन गामा, डिनोमिनेटर में क्या है कॉस गामा माइनस कॉस अल्फा, ये दे रखा है हमको, ये प्रूफ करना है।
और साथ में हमको ये बोल के रखा है कि अल्फा बीटा गामा एपी में है। एपी मतलब क्या, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, ठीक है। तो देखो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हम लोग क्या यूज करेंगे यहाँ पे कि 2 बीटा बराबर अल्फा प्लस गामा बाय 2 होता है, ये तो पता ही होगा आपको। एपी के लिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में क्या होता है कि जो डिफरेंस होता है कॉन्जिक्यूटिव टर्म का वो सेम होता है, मतलब क्या कि आपका बीटा माइनस अल्फा क्या होगा, गामा माइनस बीटा के बराबर होगा। इसको एक तरफ ले आइए तो 2 बीटा बराबर अल्फा प्लस गामा, गामा आ जाएगा और बीटा बराबर क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस गामा डिवाइडेड बाय 2, वही मैंने ऊपर लिख के रखा हुआ है। तो ये चीज हम लोगों को पता है। मैंने क्या किया यहाँ पे, आरएचएस उठाया, आरएचएस को उठा ले, उठा लिया आरएचएस को। कैसे आरएचएस को उठाया, तो मुझे दिख रहा साइन सी माइनस साइन डी, तो क्या आएगा 2 साइन सी माइनस डी, तो सी माइनस डी बाय 2 अल्फा माइनस गामा बाय 2 कॉस अल्फा प्लस गामा डिवाइडेड बाय 2। इसको गामा रीड करते हैं तो गामा डिवाइडेड बाय 2, डिनोमिनेटर में आ जाइए तो क्या आएगा 2। अब देखिए कॉस सी माइनस कॉस डी मतलब दोनों टर्म साइन के, तो साइन एक बार डिफरेंस, तो गामा माइनस अल्फा बाय 2 और दूसरा साइन गामा प्लस अल्फा डिवाइडेड बाय 2, यही आएगा। 2 और 2 कैंसिल, साइन माइनस थीटा, तो एक काम कर सकते हैं माइनस बाहर निकाल सकते हैं, निकाल लो तो क्या आएगा साइन अल्फा माइनस गामा डिवाइडेड बाय 2, साइन अल्फा माइनस गामा डिवाइडेड बाय 2 दिख रहा है। और बाद में अगले आगे क्या आ जाएगा, कॉस अपॉन साइन, क्योंकि एंगल सेम है ना, कॉस अपॉन साइन क्या हो जाता है कॉट, तो कॉट अल्फा प्लस गामा डिवाइडेड बाय 2, ये और ये कैंसिल। अब अल्फा प्लस गामा कितना होता है, यहां देखिए अभी पढ़ा है हम लोगों ने, अल्फा प्लस गामा इज 2 बीटा होता है, 2 बीटा रख दो यहां पे तो डायरेक्टली क्या बचेगा हमारे पास, केवल कॉट बीटा बचेगा। यही हम लोगों को प्रूफ करना था आपको, है ना, हमको यही प्रूफ करना था। तो ये हो गया हम लोगों का ये वाला क्वेश्चन प्रूफ, अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा एपी का यूज हो गया, मतलब दो टॉपिक को इन्होंने क्या कर दिया, मिक्स कर दिया। ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं, टॉपिक को मिक्स कर दिया जाता है एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक के साथ, तो आपका क्वेश्चन अच्छा बनता जाता है, ठीक है। तो ये हो गया हम लोगों का ये वाला क्वेश्चन, कैसे सॉल्व किया आपको ये समझ में आ गया होगा। अब आगे और देखते हैं, एक दो क्वेश्चन और देखते हैं, चलिए छोड़िए आज का लेक्चर यहीं पे हम लोग खत्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में फिर आगे हम लोग और चीजें डिस्कस करेंगे और सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए आज का लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं फिर।